वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस देने वाले हैं अक्टूबर में और चाहते हैं अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, मींस कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे थे या कहीं आप मेस पे या जो भी पीजीज होते हैं वहाँ पे रहते थे, देन आपको लगता है कि मुझे, मैं वहाँ पे तो नहीं रहा, तो मेरे घर के आसपास जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जाकर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो इस केस पे जो है यूपीएससी क्या किया है, यूपीएससी जो है डेट निकाला है, अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम सिटी को चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिसका सेकेंड फेज, इससे पहले एक फेज था, ये सेकेंड फेज है, 26 से 30 जुलाई तक चलेगा। मैं 27 को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 26 से 30 जुलाई के बीच में आप जो है आवेदन कर सकते हैं, एंड कृपया ध्यान रखें 30 जुलाई को शाम को 6 बजे तक आप कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप शाम को मत जाइए, अगर आपको चेंज करना है आपको सिटी, जो इस भी एग्ज़ाम सिटी देना चाह रहे हैं, तो आप अभी कर दीजिए। सिंपल सा स्टेप है, मैंने वीडियो बनाया है कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी मैं बनाऊंगा सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं सेकेंड फेज पे जो है, ठीक, मैं दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मींस पहला अभी जो मैं बना रहा हूँ कि आपका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो क्या कुछ स्टेप फॉलो करना होगा उसके बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो मैं हालाँकि थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये जो आपको मिल रहा है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्ज़ाम सेंटर, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने कुछ विंडो आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए, एंड यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, आगे बढ़िए, एंड उसके बाद अपना रेफरेंस नंबर को डालिए, अपना कॉन्फर्म जो पासवर्ड कैप्चा है इसको डालिए, डालने के बाद आप अपना नाम डालिए, नाम जो भी है सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप कौन सा सेंटर में अपने एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं उस सेंटर को चूज़ कीजिए, पहला सेंटर आपको दिखाएगा, सेकंड सेंटर कौन सा सेंटर में देना चाह रहे हैं उसको चूज़ कीजिए। कृपया ध्यान रखिए उस सेंटर को तभी आपको मिल पाएगा जब वहाँ पे सीट अवेलेबल रहेगा या सीट फुल आपको दिखा देगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अपने सेंटर्स को फिल कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा अपडेट था, मैं फिर इसको समराइज कर देता हूँ। अगर सिविल सर्विस के लिए या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट है 30 जुलाई तक। मैंने बताया स्टेप क्या कुछ फॉलो करना होगा, मैं अगले एक वीडियो में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।